पाकिस्तान की क्रिकेट एक दिन यहाँ दूसरे दिन यहाँ, और यही प्रॉब्लम है। इसलिए कि कंसिस्टेंसी जो है वो कभी आती है थोड़ी देर के लिए, आती है फिर रूठ जाती है। वनडे सीरीज इतनी शानदार खेली, ये सीरीज जो है, चले पहला मैच तो मान लिया एक थोड़ा सा लॉटरी था, 7 ओवर्स का एक बैशर था, मगर ये मैच 147 का तो जीतना चाहिए ना। सिडनी की बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस हैं, खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट टीम्स के लिए। स्टीप बाउंस नहीं है, अच्छा बॉल बल्ले पे आता है, और फिर आपने नाकिस फील्डिंग भी की और ओपनिंग बॉलिंग का बर्स्ट भी आपका ठीक नहीं था, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को आपने 147 पे रोक दिया। दो अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी और ये मैच जेब में था, मगर ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, जो टॉप ऑर्डर है वो अगर इस तरह से बैटिंग करेगा तो फिर मिडिल ऑर्डर जो है वो एक हद तक ही ऑपरेट करेगा, और मिडिल ऑर्डर में जान थी। उस्मान खान की शानदार 50 रन की इनिंग्स थी, इरफान खान बड़े तहमल मिजाजी के साथ बड़े मुश्किल मोमेंट पे अच्छी बैटिंग की उन्होंने, मगर उनका टेल ने साथ नहीं निभाया। इसी तरह से टॉप ऑर्डर जो है वो एक तरह से फ्रीज से हो गए, यानी कि चले ऑक्यूपाई द क्रीज आप करें, क्योंकि दो एक पार्टनरशिप्स की जरूरत थी, को रन रेट भी ज्यादा नहीं था, मगर वो भी नहीं हुआ। विकेट भी गिरी, प्रेशर भी क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये मैच हाथ से निकल गया। फील्डिंग नाकिस थी, आपकी बॉलिंग जो है पहले 3-4 ओवर्स वो बिल्कुल ही फ्लैट थे, क्योंकि अगर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह इतने रन दे देंगे, 3.4 में 50 रन लगा दिए ऑस्ट्रेलिया ने, वो तो भला हो हारिस रऊफ का और अब्बास का कि चेंज ऑफ पेस के थ्रू वो वापस उन्होंने पाकिस्तान को इस मुकाबले में डाला। अदरवाइज ये तो मैच में ऐसा लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया 200 कर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स रहेंगी अनलेस के आप अकल के साथ थोड़ी सी क्रिकेट को खेलें, क्योंकि कई दफा तो बिल्कुल ही ऑ इंस्पायरिंग होती है पाकिस्तान की क्रिकेट, और कई दफा ऐसा होता है कि 147 रन भी नहीं कर सकते, जबकि T20 में अमूमी तौर पर आप देखें आजकल 200 रन टीम्स कर रही हैं, जो टॉप टीयर की टीम्स हैं वो 200 करती हैं, और ये जो पिच थी ऐसा लग रहा था ये 200 रन पाकिस्तान को चेस करने पड़ेंगे। इतने फैंटास्टिक कमबैक के बावजूद आप बैटिंग में बिल्कुल ही फ्लैट हो गए। बैटिंग में क्या है, आपको शॉर्ट पिच बॉलिंग खासतौर पर नए प्लेयर्स को बहुत अच्छी खेलनी है, उसके खिलाफ आपकी हिकमत अमली बहुत बेहतर होनी है, इसी तरह से फील्डिंग बहुत बेहतर करनी है, टॉप ऑर्डर को फंक्शन बहुत अच्छा करना है। खास बात करूंगा मैं बॉलिंग के हिसाब से सुफियान मुकीम की। देखिए, यंगस्टर है, टेम्परमेंटली स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, और फिर ये एक तरह से मिस्ट्री स्पिनर भी हैं। ये आजकल की लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन जो है ये इन है, और रिस्ट स्पिन भी करते हैं, गुगली भी करते हैं, और एक्यूरेट थे, और पाकिस्तान को एक ग्रेट प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग के थ्रू, और मैं समझता हूँ कि उनमें इतना पोटेंशियल है आगे चल के कि वो सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में और ज्यादा हिम्मत के साथ और ज्यादा बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। सो उनका भी बहुत ही अच्छा मैच था, और फिर वही बात है कि ओवरऑल ये मैच जो था एक ऐसी टीम के आप खिलाफ खेल रहे थे जिनकी के कोई खास धाक नहीं है, खासतौर पे बॉलिंग अटैक जो था वो बहुत ही सोसो था। जैम्पा को कई दफा आप खेले हुए हैं, एक ही एक्सपीरियंस थे, स्टॉइनस को खास खतरनाक नहीं है, बाकी सारे इनके इनएक्सपीरियंस बॉलर्स थे, आपने उनको विकटें दी और फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हाथ से ही मैच निकल गया था जब उस्मान खान और इरफान खान बैटिंग कर रहे थे, और उसके बाद एंड में भी अगर टेल थोड़ी सी खड़ी हो जाती और अकल के साथ खेलती इरफान के साथ तो ये मुकाबला पाकिस्तान ने जीत जाना था। 8 रन एंड ओवर, 5 विकेटें हाथ में, परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, कैसे नहीं आपने ये मैच जीता। हैरान कुन परफॉर्मेंस थी ना वे पाकिस्तान की।